हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि अभी आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जीएस का पार्ट भी जो है शुरू किया जाएगा, जिससे कि जो है जीएस का पार्ट भी हमारा जो है कवर हो सके। जीएस के पार्ट में मेनली जो है आपका जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ये आपके मेनली चार सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जीएस के पोर्शन जनरल स्टडी में आपके पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का पार्ट जो है वो भी एक अलग से एक पार्ट होता है, जीएस के पोर्शन में आता है, वो भी जो है आगे उसके भी वीडियो जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो है हम लोगों ने जो है हिस्ट्री का पार्ट जो भी पढ़ा है, ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ भी रखा है। ठीक है, हमारा जो है आपका इस क्लास जीएस की क्लास का जो है मेन पर्पज़ ये रहेगा कि हम लोग सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करें जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आनी है, और ऐसे उसी को जो है टारगेट करके, यानी हमारा हर एक पॉइंट जो है पीछे होने वाले, पीछे जो हो चुके एग्ज़ाम हैं उनसे जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ के आ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं और जब एग्ज़ाम होता है और वहाँ पर क्या होता है कि हम देखते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, यार ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आ गया, या फिर किसी एक पोर्शन का जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया और हम सोचते हैं यार मैंने पढ़ा तो यार बहुत था, ठीक है, और फंसा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपका जो समझिए कि जो भी हमारा जनरल स्टडी को पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं आपको बताया जाएगा कि जो आपके लिए फालतू हो। ठीक है, आप सबसे पहले जो है जीएस के पार्ट में हम जो है जैसा कि आप देख रहे होंगे इतिहास शुरू करेंगे और इतिहास को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो जिन लोगों को इतिहास बिल्कुल समझ में नहीं आता है, जैसे कि वो समझ तो लेते हैं लेकिन दिमाग में रोक नहीं पाते क्योंकि वो चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते कि आखिर इतिहास क्या है, हम क्या हैं, हमारा इम्पोर्टेंस क्या है इतिहास में, तो उसको समझ नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं, एक हमारी जो कोशिश रहेगी आप देखिएगा थोड़ी सी इनोवेटिव कोशिश रहेगी जैसे कि आप लोगों को इतिहास जल्दी से जल्दी याद हो जाए और साथ आप लोग जो है नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना, लेकिन साथ ही साथ आप जो है हम जैसे बताएं वैसे आप की नोट्स जरूर तैयार करें। आप सभी लोग जो वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है, जिस एग्ज़ाम के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देखने का बस ये नहीं कि हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं, हम वीडियो देख रहे हैं। अगर ऐसे पढ़ना है तो वीडियो मत देखें, ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना है बाकायदा आप बैठिए जिस तरीके से आप जो है क्लास में बैठते हैं और कॉपी और पेन लेकर बैठिए। कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे कि जो एग्ज़ाम में आने वाली है और सारी बातें वही बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम में आने वाली होती, तो उनको आप की नोट्स बनाते रहिए जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको रिविज़न करने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, पता है आपका सद्दाम सर ने पढ़ाया था कि इतने वीडियोस उनके हमारे पास हैं पड़े हुए, तो उनको फिर दोबारा से देखना पड़े, एक एक घंटे की वीडियो, दो दो घंटे की वीडियो आपको दोबारा से देखने, नहीं, आपको क्या होना चाहिए, लिखित आपके पास होना चाहिए, की नोट्स होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से की नोट्स तैयार करने और उन की नोट्स का आपको फ़ायदा क्या होगा। चलिए आज शुरू करते हैं हम आपकी जीएस की सबसे पहली क्लास इतिहास की। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि आखिर इतिहास है क्या। लगभग 10 लाख साल पहले आपका पूर्व जो है इस दुनिया पर प्राइमेट्स का जन्म हुआ। पहले भाई इससे पहले ही आपका दुनिया जो आपके पता ही है कि आपकी पृथ्वी आपका गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और उसमें जो है आपका प्रोटोप्लाज्म के जरिए जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं का और जो है विकास हुआ, लेकिन वो जो है बहुत लाख साल पहले हुआ, लेकिन 10 लाख साल पहले आपका प्राइमेट्स का जन्म हुआ। प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स होते हैं नरवानर। प्राइमेट्स क्या होते हैं? नरवानर होते हैं। उनको क्या कहते हैं? नरवानर कहते हैं। तो क्या हुआ? नरवानरों का जन्म हुआ। तो 10 लाख साल पहले जब प्राइमेट्स का जन्म हुआ, जिनको हम नर वानर कहते थे, तो उसी के साथ ही साथ
हमारी मानव सभ्यता का विकास होना भी शुरू हो गया। और जब हमारी मानव सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया तो आप जिस तो उसी के साथ जो इंसानी रूप में जब आज के जिस रूप में हम मानव को देख रहे हैं, इस रूप में जैसे ही मानव जिस समय आया या आपका दिमाग उसका विकसित हो गया और उसने कार्य करना स्थायी निवास करना शुरू कर दिया, उसी समय से उसने जो है अपने बोली को एक भाषा का रूप देना शुरू कर दिया। यहीं से जो है शुरू होता है मानव का इतिहास, यहीं से शुरू होता है मानव का इतिहास। तो यहीं से आपकी इतिहास की परिभाषा भी आ जाती है। क्या होती है इतिहास की परिभाषा? आपके मानव की इस दुनिया पर आने के बाद में जो आपका पहला क्रियाकलाप होगा, अगर हम उसको लिख कर रखें या किसी माध्यम से जाने, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। और जिस तरीके से वक्त गुजरता चला जाता है और चीज़ें जो हैं इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इंडिया जो है बड़े बहुत बहुत से फील्ड्स में जो है आपका इनोवेटिव काम कर रहा है, तो जो क्या होगा, आप जो भी धीरे धीरे पहले तो करंट अफेयर में आएगा, फिर धीरे धीरे जब बहुत साल गुजर जाएंगे, हम लोगों के भी जो बच्चे होंगे वो आएंगे, वो उस चीज़ों को क्या पढ़ेंगे? इतिहास में पढ़ेंगे, वो करंट अफेयर में नहीं पढ़ेंगे। तो इतिहास ऐसा शास्त्र जिसमें मानव के अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या बताया मैंने कि आपका ऐसे शास्त्र जिसमें हमें मानव के अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब सब कुछ तो हमें नहीं पता है, ठीक है, कि क्या था पहले क्या नहीं था। तो इसी तरीके से जैसे कि हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हर एक उसमें पार्ट में बांट देते हैं, जैसे ज्योग्राफी होता है फिजिकल ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी अलग है, उसी तरीके से इतिहास को भी कई पार्ट्स में बांटा गया है। देखते भाई कैसे बांटा गया इतिहास, जैसे कि मैंने लिख रखा आपका एक परिचय, यानी कि शुरुआत में पहली वीडियो में आपका इतिहास से सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आखिर इतिहास है क्या। देखते भाई इतिहास, तो इतिहास को क्या किया इतिहासकारों ने, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल, काल का मतलब समय, आध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। इन तीन पार्ट्स में क्या किया कि इतिहासकारों ने इसको बांट दिया ताकि हमको जानने में जानकारी करने में हमें क्या हो ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, क्या है आखिर प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए जब आपका हम लोगों ने अपने कार्यों के लिए खुदाई करना शुरू की, तो हमको बहुत से ऐसे अवशेष मिले जो बहुत साल पुराने थे, कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चला जो कई हज़ार साल पहले के हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसे साक्ष्य मिले जिनके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। तो हम ऐसे काल के बारे में जानकारी जो कि हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुए, उसको हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसके बारे में हमको कोई लिखित जानकारी नहीं मिली, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद इसकी जानकारी के लिए हम लोगों को क्या हुए? लिखित जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, लिखित जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। कौन कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता में 400 जो है अल्फ़ाबेट्स मिले हैं, ठीक है, और कुछ सांकेतिक भाषा भी मिली है, संकेत मिले हैं और चित्र मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उस भाषा को पढ़ने में कामयाबी नहीं पा सका है। अब आगे चल, दूसरा क्या है? वैदिक सभ्यता, ठीक है, पूरी वैदिक सभ्यता को ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है, बहुत से वेदों को पढ़ा भी जा चुका, लेकिन वैदिक सभ्यता में पूर्ण रूपेण हमें जो है उसकी भाषा को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए कि आखिर उन संकेतों में क्या लिखा है, आखिर वो भाषा कौन सी है, क्योंकि बहुत से वेद जो आपका वैदिक साहित्य है उसमें उसकी भाषा क्या है? हिब्रू भाषा भी है, ठीक है, प्राकृत भाषा भी है, जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, जो संकेतों के रूप में भी है, ठीक है। आगे चलते हैं ऐतिहासिक काल। यह एक ऐसा काल है जिसके सभी लिखे साक्ष्य उपलब्ध हैं, भले वो किसी अन्य
अन्य माध्यम ऐसे माध्यम हैं जिनमें अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिली है। प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें हम जो है आपका एंशेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें आपका एंशेंट भारत में जो आपके बौद्धों का इतिहास है, यानी बौद्ध धर्म का इतिहास है, जैन धर्म का इतिहास है, ठीक है, ये सब किसमें आता है? प्राचीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत जहाँ पर आपका सार, मध्यकालीन भारत में जहाँ पर से आपके राजा महाराजा, यानी भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का राज था, ठीक है, और ऐसा काल जिसमें आपका जिसमें भारत पर जो है मुस्लिम आक्रमण पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया था या पूर्ण रूपेण कब्जा नहीं हो पाया था, बस जो है भारत के कुछ ही भाग पर जो है आपका आपका मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण हुए थे, ठीक है। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत जो है मेनली उस समय को कहा जाता है कि जब यहाँ पर जो है मुस्लिम शासन था, फिर उसके बाद में जाकर के अंग्रेजों का शासन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक। मेनली जो है आपका आधुनिक आधुनिक भारत उसे कहा जाता है जब हमारे हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। इसमें भी मध्यकालीन भारत में जो है आपके तो दो पार्ट्स हो जाएंगे, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन, ठीक है, वो भी आगे चलकर जो है डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने आपको क्या क्या समझा कि प्राग ऐतिहासिक काल, क्या समझा, प्राग ऐतिहासिक ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई, उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया आपका पुरापाषाण काल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर पाषाण काल क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे पाषाण काल क्या होता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। जब इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए जिस भी सामग्री का यूज किया है उसे हम उसको पत्थर से बनाया है तो उसे हम क्या कहेंगे, पाषाण काल। यानी कि जब इंसान पाषाण मीन्स पत्थर का उपयोग किया करता था, ऐसे काल को क्या कहते थे, पाषाण काल कहते थे। पूरा पाषाण काल की अब जानकारी हमें कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है, ठीक है, अब देखते हैं। इन पार्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आ जाएंगे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का समय 8000 BC तक रहा, जे अज्ञात है कि जे पूरा पाषाण काल की सभ्यता जो थी कब से थी, ठीक है, जे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं पूरा पाषाण काल, जब खुदाई की गई तो हमें क्या मिले, सबसे पहले आपका एक्स क्लीवर और स्क्रेपर, हैक्स क्लीवर स्क्रेपर, ठीक है, आदि चीज़ें हमें जो है मिली। और ये अवशेष कहाँ कहाँ मिले, ये अवशेष हमें मिले हैं सोहन घाटी बेलन घाटी, सोहन घाटी बेलन घाटी नर्मदा घाटी, ठीक है, ठीक है। अब आपने मेनली तीन जगह से जो आपके खुदाई किए गए, तो हैक्स क्लेवर एंड स्क्रेपर, यानी जो किसके बने हुए थे, सब के सब पत्थर के बने हुए थे, आपका ये अवशेष हमें प्राप्त हुए। अब पूछ लिया जाता है सोहन घाटी कहाँ पर है, तो सोहन घाटी पाकिस्तान में है। सोहन घाटी कहाँ है, पाकिस्तान में है। और बेलन घाटी कहाँ है, आपकी यूपी में, यूपी का है मिर्जापुर, यूपी मिर्जापुर में। और ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, कहाँ मिली, मध्य प्रदेश है। जो क्वेश्चन आ चुका है भाई आपका, बेलन घाटी आपकी कहाँ है, तो बेलन घाटी कहाँ है, यूपी मिर्जापुर में है, यूपी मिर्जापुर में है। और उसके साथ में भीम बेट का एक और जगह है, भीम बेट का, ये भी आपके कहा है मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिए, देखो वही पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं, वही पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और या पूछा गया। भीमबेटका आपका पूछा जो जा चुका है, नर्मदा घाटी पूछी जा चुकी है और बेलन घाटी, सोन घाटी अभी तक नहीं पूछी गई है। तो जेतु हो गया आपका पूरा पाषाण। एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है, नोट पॉइंट आप कर लें, लिख लें यहाँ पे कि आग के बारे में जानकारी इंसान को पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, यानी कि उसे वो ज्ञात था कि आग जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, उसे आग को उस समय वो क्या जानते थे कि आग विनाश लाती है, यानी कि बर्बाद कर दी। अब वो आग कौन सी आग को जानते थे भाई, उन्होंने तो खोज की नहीं थी आग की अभी, तो वो किस आग को जानते थे। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि कुछ जंगल ऐसे भी हुए करते, जंगलों में घास ऐसी भी होती जिसमें ऑटोमेटिक अपने आप आग लग जाती है, तो उस आग से वाकिफ थे वो लोग। या फिर आपको बादलों के दौरान जो गर्जना होती है, बिजली गिरती है, उससे आग लग जाती है। ठीक है, तो उस आग से वो लोग वाकिफ थे। ठीक है, वो आग उन्हें पता थी, लेकिन जो है उस आग को कंट्रोल करना और उसका यूज करना पूरा पाषाण काल में नहीं आया उन्हें। वो उन्होंने कब सीखा, आग की खोज उन्होंने खुद कब की, मध्य पाषाण काल में। कब की उन्होंने, मध्य पाषाण काल में उन्होंने आग की खोज की और उसका यूज करना सीख गए थे, और उसकी उसका यूज करना सीख गए थे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो समझ गए, पूरा पाषाण काल में हैक्स, क्लीवर एंड स्क्रेपर कहाँ कहाँ मिले, सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट करते जाना और अच्छे से नोट सारे लोग प्रिपेयर करना, क्योंकि हमारे पास वक्त है और ध्यान दें सारे लोग। जैसे ही ये कुछ स्थिति सुधरती है, वैसे ही आपके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। इसमें कुछ एग्ज़ाम्स की तो डेट आ भी चुकी हैं, जैसे कि फायरमैन वाले की डेट आ चुकी है, और जैसे ही ये लॉकडाउन जो है थोड़ा सा ऐसी स्थिति होगी जब एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, तुरंत आपका 5200 वैकेंसी लेखपाल की अनाउंस होने जा रहे हैं। तो इसीलिए तैयारी सारे लोग बनाए रखें, ठीक है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। अब हम चलते हैं कि मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल का समय जो है 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक रहा। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी, देखो इसमें जो हमें आपको जानकारी मिली है, इसमें जो है आपके जो हथियार थे वो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में छोटे थे, तो इनको क्या कहा जाता था, उन हथियार छोटे हथियारों को कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो जो छोटे हथियार होते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहते थे। ये वर्ड आपका PCS में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो माइक्रोलिथ क्या है, आपके छोटे छोटे पत्थर के हथियारों को क्या कहते थे, आपका माइक्रोलिथ कहा जाता था। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, इसकी जानकारी हमें मिली आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागौर। ठीक है, तो ध्यान दें आपका मध्य पाषाण काल में क्या इंपॉर्टेंट, माइक्रोलिथ और उनकी जानकारी में कहां से मिली आप। माइक्रोलिथ क्या है, छोटे हथियार हैं, छोटे हथियार, और कहां कहां पर हमें मिली, साक्ष्य मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान बागौर में। अब चलते हैं आगे, नव पाषाण काल। तो अब जो था, अभी तक जो दो हमने पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल में मानव जो था आपका अपना जीवन, आपका खाना बदोश जिंदगी जीता था, यानी कि जहाँ पर मिल गया वहीं पर सवेरा हो गया, कल गई और चले गए, एक उनका स्थायी निवास नहीं था, और पूरे के पूरे आखेटक थे। आखेटक का मतलब शिकार करते अपने भोजन को प्राप्त करते थे। मध्य पाषाण काल में उन्होंने शिकार करने भी आखेटक ही थे, लेकिन
साथ ही साथ उन्होंने जो था एक स्थायी निवास चुनने के लिए यानी कुछ कुछ दिनों के लिए ठहराव उनमें आया। नवपाषाण काल में जो आपकी उनकी एक नए जीवन की शुरुआत हुई, जिसमें वो लोग कृषि करना सीख गए, कृषि करने लगे, स्थायी निवास हो गया उनमें, ठीक है, कृषि करने लगे, स्थायी निवास हो गया, और इनमें जो है एक कल्चर का विकास हुआ, जिसे जो है कबीलाई पद्धति कहते हैं। तो नवपाषाण काल में कबीलाई पद्धति शुरू हो गई थी, ठीक है, समझते रहे। तो नवपाषाण काल का समय 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक रहा, ठीक है। अब इसमें जो है हम आपको जानेंगे, इसके जो मिले हैं टोंस नदी के किनारे, साच भारत में कहाँ मिले, टोंस नदी घाटी कह सकते हैं या किनारे, टोंस नदी कहाँ है, यूपी में है, टोंस नदी कहाँ है, यूपी में। और जी यहाँ पर किसने नवपाषाण काल के आपके, तो टोंस नदी घाटी में यूपी में जो है आपके नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले, और किसने, लेमने 1860 में इसके साक्षी युद्ध में खोजे थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो ये आपका क्या हो गया, आपके तीनों पार्ट्स को हमने देख लिया। अब हम देखें मेनली इसको क्या देखेंगे, नवपाषाण काल को देखेंगे, किसको देखेंगे, नवपाषाण काल। अब इसके बारे में समझे कि आखिर इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम में हमसे पूछी जा चुकी हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें इंसान क्या था, आपका रहकर खेती करने लगा था और साथ ही साथ पशुपालक भी हो गया था, और क्या कहते हैं, एक स्थायी निवास भी हो गया था, क्या हो गया था, स्थायी निवास हो गया था। अब जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं इसके में, कृषि के साक्ष्य में नवपाषाण काल में कहाँ मिले, जो है कई बार आपका पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं, नंबर एक, सबसे प्राचीन साक्ष्य लहुरा देव। अब जो लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर संत कबीर नगर यूपी जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी में मिले हैं। दूसरे नंबर पे मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान। नंबर तीन कोल्डी हवा प्रयागराज यूपी। ध्यान रखें भाई, पुराना नाम इसका इलाहाबाद है। कि सबसे पहले आपके पास जो किताबें होंगी, किसी के पास अगर पुरानी ज़्यादा किताबें होंगी तो उसके पास क्या होगा, मेहरगढ़, उसे आंसर दे रहे होंगे मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है, वो भी आंसर सही था, लेकिन आज से लगभग 5 साल पहले, क्योंकि जो नई रिसर्च हुई है उसमें लहुरा देव आपका संत कबीर नगर में जो साक्ष्य मिले हैं भूसी प्राप्त हुई है, तो उसमें क्या है, उसमें प्राप्त हुआ है कि वो जो भूसी है वो 8000
साल पहले की है, और जो आपका यहाँ मिली है भूसी मेहरगढ़ में वो 6000 बीसी की है। तो इसीलिए जो नई रिसर्च के अनुसार जो है 8000 बीसी ही सही आंसर है। ठीक है, कोल्डी हवा में जो है जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग आपके 4000 से 5000 बीसी के बीच में हैं, और यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, मिले चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो है आपका लहुरा देव और मेहरगढ़ वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका। अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना हो तो आप लोग क्या लगाएं, मेहरगढ़ पाकिस्तान आपका जो है लगाएं। अब देखो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालिक जो हमें शहर मिला था हमें स्थान मिला था, ठीक है, वो था बेलौरी। बेलौरी कर्नाटक जो था जो है आपका दक्षिण भारत में पाषाण कालिक जो हमें स्थल खोजा गया है। ठीक है, ध्यान दें, आगे चलते हैं। अब जो अगला पार्ट था मैंने आपको बताया था आध्य ऐतिहासिक काल, इसमें जो है अभी इसका भी डिटेल में जो है अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो सभ्यताएं आएंगी वो भी इसी के अंतर्गत होंगी, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आध्य ऐतिहासिक काल है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके बारे में लिपि हमें प्राप्त हुई, लेकिन हम उसे उस लिपि को पढ़ नहीं पाए, यानी कि लिपि हमें प्राप्त हुई लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि सिंधु सभ्यता, क्या थी आपकी सिंधु सभ्यता थी, पहले आप ही को बता चुके थे। तो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कौन से काल के उदाहरण है, तो किस सभ्यता का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है सिंधु सभ्यता, आध्य ऐतिहासिक काल में, और वैदिक सभ्यता भी इसी में आती है। ठीक है, तो इसको भी जो है बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं ऐतिहासिक काल, तो हमने आपको बता ही दिया था ऐतिहासिक काल क्या है, कि जिसके बारे में हमें लिखे साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन हम उनको क्या कहते हैं, कि ऐतिहासिक काल में हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, उनको हमने समझा भी है कि कौन सी चीज़ किस समय की थी, और किस समय कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी, वित्त व्यवस्था थी, और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो उसे क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल। आगे चलते हैं, अब क्या है आपका अगला टॉपिक है इतिहास के स्रोत। आखिर जो ऐतिहासिक काल में को जानने के लिए जो हमें स्रोत मिले हैं वो आखिर क्या क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से वो स्रोत हैं।
इतिहास के स्रोत, आखिर कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हैं आपके पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो कौन कौन से हैं पुरातात्विक स्रोत? सबसे पहले अभिलेख। भाई बहुत साल पहले जो है, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब जो थे आपके अभिलेख और ताम्र पत्र, किसपे? ताम्र पत्र पर क्या था, लिखा जाता था। तो वही जो है आपका उन पे लिखा था, तो इतने साल गुजर गए उन पे नहीं जो है मिटा। तो वो जो मिले हैं तो उससे भी हमें पता चला है कि आखिर उस समय की व्यवस्था क्या थी, वित्त व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी और सामाजिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरी चीज़ जो, तो पहला हो गया। नंबर दो, हमको उस समय के भवन और भवन प्राप्त हुए और उन पर उत्कृष्ट लिपि और कला प्राप्त हुई, चित्रकला प्राप्त हुई। तो वो भी क्या थे, आप भी उससे भी हमें पता चला कि आखिर वो उस समय कैसा क्या होता था। दूसरा आपका चित्रकला, आपका चित्रकला। और चौथा आपका मुद्राएं। ठीक है, दूसरी क्या है, आपकी मुद्राएं भी प्राप्त हुई, जिससे कि हमें पता चलता था भाई कोई भी राजा अपनी मुद्राएं बनवाता था, उसका सन डलवाता था, अपने राज चिन्ह लगवाता था, तो उससे भी क्या वो पता चला। दूसरे क्या थे आपके, साहित्य। ठीक है, बहुत सारा साहित्य हमें प्राप्त हुआ, जो कि आपके हम भारतीय इतिहासकारों ने वो साहित्य लिखा और उससे हमें पता चला कि आखिर उस समय क्या व्यवस्था थी। सबसे पहले जब हमारे देश में आर्यों ने आक्रमण किया, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि हम लोग कौन हैं। हम लोग आपके द्रविड़ आर्यों के वंशज हैं। तो हम लोग कौन हैं, द्रविड़ आर्यों के वंशज हैं। कैसे, देखो सबसे पहले भारत के मूल निवासी कौन है, भारत के मूल निवासी द्रविड़ हैं। पहले पूरे भारतवर्ष में द्रविड़ों का राज था, लेकिन आपका आर्यों ने जो कि मध्य सबसे जो आपका पुख्ता माना जाता है, साक्ष्य माने जाते हैं, तो बताया जाता है आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, आपका रेगिस्तान साइड से, और वो जो थे हरी भरी जंगल की तलाश में आए थे। तो उन्होंने जो है भारत में आए और वह सप्त सिंधु की तलाश में आए थे। सप्त सिंधु क्या है, आपका सिंधु नदी जब निकलती है उसकी 7 धाराएँ हैं उसकी। ठीक है, कुछ उसमें धाराएँ जैसे सरस्वती है, और सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई, तो वो भी उसी की एक धारा थी। ठीक है, 1500 किलोमीटर की है, जो रिसेंट रिसर्च में आया है, लेकिन वो जो है लगभग आपका 36 मीटर नीचे जमीन के विलुप्त हो गई। तो सप्त सिंधु की तलाश में आए थे उन्होंने, वो उसको क्या कहते, सप्त सिंधु जल अमृत कहा करते थे। तो जब वो आए यहाँ पर आर्य द्रविड़ों से, उन्होंने युद्ध जीते और उन्होंने नर्मदा को एज ए बॉर्डर यूज़ किया। नर्मदा से ऊपर आपका क्या थे, आपके आर्य रहते थे और नर्मदा से नीचे द्रविड़ रहते थे। शुरुआत में तो इनमें क्या थे, दुश्मनी थी, एक दूसरे के आना जाना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता चला गया तो इनमें समय वैवाहिक संबंध हुई है, जिससे कि आपका एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिनको हम आर्य द्रविड़ सभ्यता भी कहते हैं, और हम लोग क्या हो गए, आर्य द्रविड़ वंशज हो गए। ठीक है, आर्य द्रविड़ों के वंशज हो गए। तो आर्य क्या थे, आर्य जो थे पितृसत्तात्मक सत्ता को मानते थे, जिसमें आपका मैन डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी, और दक्षिण भारत में जो लोग द्रविड़ थे वो आपका वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी यानी कि मात्र सत्तात्मक सत्ता को मानते थे। इसीलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो आपका घर में पिता की ज़्यादा चलती, और यही दक्षिण में अगर जाते हैं तो आपके वहाँ पर मातृ सत्ता तो यानी कि वहाँ पर औरत को ज़्यादा बरकत प्राप्त होती है घर में। तो अब जब आर्य आए तो आर्यों ने क्या किया कि आर्यों ने वेदों की रचना की। किसकी रचना की, वेदों की।
तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? वेद से जानकारी मिलती है। जो वेद आर्य ने वेद लिखे उनसे हमें जानकारी मिलती है। नंबर दो, उनको समझने के लिए बाद में उपनिषद की रचना की गई, उनसे हमें जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद पुराण की रचना हुई, उनसे हमें पता चलता है पुराण। फिर स्मृतियां रामायण महाभारत आपका बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ जो मिले हैं उससे पता चलता है। जैन ग्रंथ, तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमको आपका पता चलता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था, वित्त व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। अब आगे चलते हैं, और भी क्या था भाई, जो जिसके काल में विदेशी भी तो भाई घूमने आते थे यहाँ पर, क्या थे आपके विदेशी भी घूमने आते थे, तो विदेशी भी यहाँ पर घूमते थे और यहाँ के बारे में लिखते थे। आज भी भाई वही लोग कहते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और कुछ लेखक भी यहाँ पर घूमने आते हैं, तो वो बहुत बहुत जगहों पर आपका सर्वे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आज भी जो है उसके बारे में लिखा करते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सर्वे होता है आपका यहाँ की, और बहुत सी रैंकिंग जारी होती है, जैसे आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर रैंकिंग जारी होती है, आपका कैसे अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं इकोनॉमी के बारे में, तो ये सब क्या होते हैं यहाँ के सर्वे के बारे में होते हैं। उस समय जो है इस तरीके का कुछ नहीं होता था, तो लेखक लिखा करते थे कि आखिर उस देश में किस तरीके की व्यवस्था होती थी, बताते थे भाई, इसी आधार पर बताया जाता था कि वो देश क्या है, आपका समृद्ध है या कैसा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके इतिहास को जानने के स्रोत। तो ये जो था आज का वीडियो, मान लीजिए क्या था, इतिहास का एक परिचय के रूप में था, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को जानने का एक छोटा सा जो है आपको बताने कि आखिर इतिहास क्या है और उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले क्या होगा कि हम सबसे पहले पूरा तात्विक स्रोत, यानी कि पूरा वीडियो क्या होगा, अभिलेख और अभिलेख पर आधारित होगा, और आपका भवन लिप पर, यानी कि पूरा तात्विक स्रोतों पर आधारित होगा। फिर उसके बाद में अगला वीडियो वैद साहित्य पर होगा, और उसी के साथ विदेशियों का विवरण भी आपका होगा। तो अब जब जिन लोगों ने आपका UPSSC लोअर PCS का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो ये जो वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले, और जिन लोगों ने आपका फायरमैन और वार्डन के लिए डाला उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और बकाया जो है आप लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनका रिसेंट में कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपका ध्यान रखिए आपके लोअर PCS की 1400 वैकेंसीज आपका प्रपोज्ड हैं, और वो जो हैं आपका जैसे ही लोअर PCS मेंस का एग्ज़ाम होता है तुरंत वो आ जाएंगे। तो जिन लोगों का इसमें इस बार नहीं हो पाया, तो वो लोग अगले बार के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर रहें। और लेखपाल की वैकेंसी तो आप सभी को पता है मोस्ट वेटेड वैकेंसी है, तो सारे लोग जो है जिना करेगी लॉकडाउन में जो है आराम से सो रहे हैं, तो जो लोग इस समय लॉकडाउन में सो रहे हैं तो आप जो मान के चलिए वो फाइट से बाहर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, और घर पर आपको व्यवस्था मिल रही है, ठीक है, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप जो है उसका भाई डाटा भी है, मोबाइल भी है, सारी सुविधाएं घर वालों ने दी है, तो घर पे बैठ के जरूर पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, और चैनल को जल्दी अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।